फ्रेंड्स नमस्कार, वेलकम, प्रणाम आप सभी लोगों को मेरा। तो स्वागत है आपका मेरे एक न्यू व्लॉग में। तो आज सुबह की खूबसूरत सी शुरुआत आप सभी लोगों के साथ। तो सारे घर के काम को ख़त्म करने के बाद गई थी खेत की तरफ और प्यारी सी, बहुत ही प्यारी सी धूप आज खिली हुई थी। ये गोला पार्क का कितना खूबसूरत सा व्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इतना सुंदर, बहुत ही प्यारा। और मैं गई थी खेत में आज अपने बाबू लोगों को लेकर सबको, क्योंकि प्याज का बीज मेरा जो है, पौधा जो है, तैयार हो गया है खेत में लगने के लिए। और इसी के लिए हम लोग जो है खेत की तैयारी कर रहे थे। इस तरीके से छोटी छोटी क्यारियाँ बना दी हैं और अब इनमें से घास निकालनी है और उसको खोदने का काम जो है दोनों बाबू कर रहे थे। और मैं जो है इस तरीके से ये जो इसमें जड़ वगैरह या हरी घास रह जाती है उसको मैं उठा रही थी कुदाल से। और बहुत ही प्यारी धूप आजकल देखने को हमारे यहाँ पर मिल रही है। जो जो सुबह शाम तो ठंडा हो रहा है लेकिन दोपहर को बहुत ही प्यारा मौसम। और साहब जी की भी छुट्टियाँ थी तो हमने बोला उनसे भी कि कुछ देर के लिए हमारी हेल्प करवा दो। और जो मेरे बगल में टमाटर का खेत है ना, वो अभी पूरी तरीके से तैयार होने के लिए तैयार है। टमाटर थोड़े बहुत पकने लग गए हैं। और ये देखिए ना, इससे पहले वाली ब्लॉक अगर आप देखेंगे तो मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर हम लोग इस तरीके से, ये लोग जो है मूली लगाते हैं। अब वो मूली निकाल के बाजार बेचने के बाद इसमें चना लगा दिया गया है। मतलब इतनी मेहनत होती है ना किसान के साथ, और उसे हर तरीके से खेत में कैसे क्या होता है सब पता होता है। तो हमारा जो है प्याज का खेत बिल्कुल तैयार हो गया था, बस अब पौध लगा निकालनी है और फिर खेत पर लगानी है। हम लोग फटाफट घर आए और तीनों मम्मी बेटा तैयार हुए और हम चल दिए थे बाजार की तरफ, क्योंकि आज था संडे। और संडे को हम लोग अक्सर कोशिश करते हैं कि कुछ देर के लिए हम लोग बाहर जाएं, तो आज मार्केट में थोड़ा सा काम भी था तो हम लोग चल दिए थे। सबसे पहले हमने राम प्यारी को थोड़ा सा चार्ज किया क्योंकि राम प्यारी थक गई थी, डाला इसमें थोड़ा सा हमने फ्यू। और इसके बाद हम लोग चले गए थे मार्केट की तरफ और भैया से मैंने बोला था टैंकी फुल करने के लिए, भैया इतने ध्यान से उसे देख रहे थे। तो हम लोग पहुँचे मार्केट और ये रहा हल्द्वानी मार्केट। हल्द्वानी मार्केट में चाहे कोई भी सीजन हो, कोई भी दिन हो, आपको हमेशा ही भीड़ मिलेगी। आप चाहे किसी भी गली में चले जाएँ, किसी भी मार्केट में चले जाएँ। तो हमने इस तरह घूमते घामते थोड़ा बहुत जो है सामान घर का था, थोड़ा बहुत जो है बच्चों का था, वो सारा सामान हम लोगों ने लिया और हम चल दिए थे वापस घर की तरफ आए। और ये रहा हमारा आजकल का गोला का हाल। गोला बिल्कुल सूख चुकी है, थोड़ा सा ही अब पानी बचा हुआ है और बिल्कुल सूख चुकी है। अब आए हम लोग घर और इतना थोड़ा बहुत मतलब कुछ सामान हम लोगों ने घर का लिया, कुछ बच्चों का लिया था और आए हम घर। ये था मेरा श्राद्ध का भी सामान था। वैसे आज हमारा हबीक था, कल को पापा जी का श्राद्ध है। और तो सारा सामान लेके मैं घर आई और बाबू लोग करने लगे अपना नाश्ता और छोटे वाले बेटू का कट रहा था अपना अनार। और इसके बाद मैंने बनाया खाना, दोपहर के बजे 3:30 का टाइम था, फटाफट से खाना वगैरह बनाया क्योंकि आज हम लोगों का हबीक था तो इस टाइम पर हम लोग खाना खा लेते 4 से 5 के बीच पे। तो फटाफट खाने की तैयारी कर रही थी क्योंकि साहब जी कह रहे थे भूख लगी। और आज के खाने की थाली हमारी ये सज चुकी थी, जो है मेथी की सब्जी, बूंदी का रायता, दाल चावल और रोटी। और ये था लड्डू गोपाल का नाश्ता और वो था पापा जी की थाली। तो हम लोग भी खाते हैं और आप लोग तो शायद रात को खाएंगे। और ये था शाम का टाइम आंगन में, मेरे आंगन में जो है इस तरीके से छोटे छोटे बच्चों की चहलकदमी, बड़ों की गप्पे सप्पे लड़ाई हुई थी। तो ये छोटे छोटे बच्चे कितने प्यारे लगते हैं ना आंगन में चहचहाते हुए, खेलते हुए। और आज ये नई मेहमान हमारे घर आई थी, छोटी सी पिंकी सी, पिंकू बनके। और इसके बाद मैं गई थी खेत की तरफ घास वगैरह काटने के लिए। तो ये था शाम का आज का मौसम, बड़ा ही सुहाना सा लेकिन ठंडा। अब सुबह साहब काफ़ी होने लगा है और आज तो जो है हल्के हल्के बादल भी छाए हुए थे आसमान में। और फटाफट से मुझे घास वगैरह काटना था, मैं घास काट रही थी और मेरा कैमरामैन जो है कैमरा पकड़े आप लोगों को दिखा रहा था मौसम। और इसी के बाद मैंने फटाफट घास काटा। और ये देखिए, मैंने इससे पहले ब्लॉग में भी आप लोगों को अपने खेत के बगल वाले खेत में जो है गोभी दिखाई थी। ये इसे हम लोग अमीरों वाली गोभी बोलते हैं, वैसे इसे क्या बोलते हैं आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और इधर जो है फूल गोभी, ये देखिए फूल गोभी भी अभी तैयार होने आई है, हो गई है, कुछ चली गई है मंडी और कुछ ये तैयार हो रही है। और फटाफट उठाया घास का गट्ठा और आई मैं घर की तरफ। और घर आने के बाद फटाफट से जो बचा हुआ काम होता है गायों का, घास कुट्टी काटना, उन्हें गोट में बांधना, गोबर वगैरह फेंकना, गाय का दूध निकालना, वो सब फटाफट किया मैंने। और गैया मैया को गोट में उनकी जगह पे बांधा और उनको बोला बाय बाय और उठाई दूध की बाल्टी और आ गई मैं घर में।
और इधर बाबू जला रहे थे दिया और पापा और बेटा जी खेल रहे थे लूडो और मुझे भी बोल रहे थे खेलने के लिए, और साथ में मेरी चांस भी खुद ही खेल रहे थे और खुद ही गोटियां आगे बढ़ा रहे थे। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही था, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलेंगे, बाय बाय, लव यू ऑल।